सोने लेके आ गए ना, इस वाले कॉप में वोल्टेज नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो हम ग्राउंड करते हैं बॉडी फ्रेम है ना, इसे में टच करते हैं। वे यहाँ दिखाओ जरा, यहाँ दिखाओ, इस पे आ रही है 24 वोल्ट। हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे पास ये 32 इंच का सोनी का LED टीवी आया है, इसमें हाफ स्क्रीन की फोल्ड है, मॉडल नंबर ये लिखा हुआ है, दिखाना जरा, ये मॉडल नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक है, 32R41 2C, ये मॉडल नंबर है ये। इसके अंदर एक कैप फोल्ड है, हाफ स्क्रीन का फोल्ड है, स्क्रीन आधी चल रही है आधी नहीं चल रही, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये अडैप्टर रखी हुई है इसके, ये हमने लगाया 19 वोल्ट सप्लाई, टीवी सीधी करी, स्क्रीन पे देखिए सोनी लिख के आ रहा है, लेकिन ये हाफ में आ रही है, बाकी बार बन रहे हैं, इसमें लाइनिंग बन रही है करीब, ऊपर सही दिख रही है पिक्चर, बट यहाँ देखो नो सिग्नल बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन ये नीचे इस तरह की लाइनिंग बन रही है। तो अभी हम इसको खोलते हैं और इसके अंदर क्या फॉल्ट है उसे क्लियर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। आप पहले खोल लेते हैं, स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, तभी ज्यादा समझ में आएगी आपको। मैं खोल लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा, नहीं तो थोड़ा वेट करिए। स्किप मत करिएगा, ढक्कन खोल लिया इसका, ये ढक्कन खोल के साइड किया। इससे पहले भी एक सेकंड इधर दिखाओ आप, इससे पहले भी इस डिस्प्ले में फॉल्ट थे, तो हमने रिपेयर करके दिया था, उसमें डिस्प्ले खराब थी इसकी, तो दूसरी डिस्प्ले डाली गई थी इसके अंदर। ये देखो, ये SCL के लिए जो होती है ना सोनी में, जब तक डालते नहीं जब तक पैनल ऑन नहीं होता है, तो ये वाली भी लगा रखी है। अब देखते हैं, ये हाफ स्क्रीन में आ गई है, अब इसे भी हमें ही करके देना होगा ना, तो ये भी सारे पेंच खोलने पड़ेंगे यार, ये सारे पेंच खोल के तभी पैनल खुलेगा, क्योंकि ये हमें पैनल के अंदर की शॉर्टिंग है, साइड कॉफ के, साइड कॉफ जो होते हैं जिसे कान कहते हैं, उसमें फॉल्ट है, तो हो सकता है वहां तक सप्लाई ना जा रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम पूरी खोल लेते हैं, इसे बने रहिएगा वीडियो में। IR का तार है, ये हो गया, स्पीकर वगैरह खोल लेते हैं। इसको साइड करते हैं भाई, इसे भी खोलना होगा, चलो ये भी पेज खोल ही लेते हैं, टोटल खोलना होगा, पैनल खोलने के लिए सारा कुछ खोलना पड़ेगा। ये पेंच हमने खोल लिया है, इसे भी हटाओ, साइड करो। अब टीवी हम पलटेंगे, एक सेकंड वीडियो को रोको आप, ये फ्रेम इसको खोलेंगे, खोल लेंगे, ग्लास ना टूटे, खुल गया फ्रेम। ये रही इसके साइड कॉफ, अभी इसे पहले साफ कर लेते हैं ब्रश से, यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना है कि हमारी वोल्टेज सही आ रही है या नहीं आ रही है, अगर सही आ रही होगी। ये दरअसल ये टीवी नाले के साइड की है, इसीलिए ये दुखी कर रहा था।
हाँ यार, हम खोल लेते हैं फट फ्रेम में से निकाल लेते हैं। आयर के बगैर तो टीवी ऑन नहीं होगी। सोनी है ना, ब्लिंकिंग फॉल्ट में चली जाएगी। ये लगा दिया। इसकी 19 वोल्ट की सप्लाई किधर है भाई? इंडिकेट हो गए। इधर सोनी लिख के आई है, ये सोनी लिख के आई, ये हाफ स्क्रीन में ये बार बन रही है। अब हम यहाँ ये जो साइड को ऑफ है कान, इस पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, मेजरमेंट करेंगे वोल्टेज में कहाँ मिसिंग है। देखो आप एक बात सुनो, ये जो हमारी कॉफ लगी हुई है, ये कॉफ से इधर ही से कनेक्शन जाती है, बट ये हमारी इधर पिक्चर सही बन रही है ना, नो सिग्नल सही आ रही है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इस वाले कान पे यानी साइड कॉप पे हमारी सही सप्लाई बन रही है, और यहीं से सप्लाई इसी ट्रैक से जाती है इस पे, और इधर नहीं जा रही होगी तभी पिक्चर नहीं आ रही है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों को पकड़ना होता है। तो अब हम इधर इससे पहले हल्का टेप से पलट लेंगे, और उसके पहले तो इसकी सप्लाई बंद करते हैं, नहीं तो फिर लाइनिंग की और दिक्कत आ जाएगी। टेबल मेरी इतनी बड़ी नहीं है, और मैं टेबल इधर बना रखा हूँ, इधर डिस्प्ले वगैरह रखा हूँ, उन पे मेरे पे इतना समय नहीं रहता ना। पहले एक ब्लेड लेंगे, इससे खरोच लेंगे, अच्छी ब्लेड लेते हैं। पहले इसको खरोच लेंगे, तभी वोल्टेज चेक हो पाएगा। सोनी लिख के आ गई ना, इस वाले कॉप में वोल्टेज नहीं आ रही होगी इधर, ठीक है। तो हम ग्राउंड करते हैं बॉडी फ्रेम है ना, इसे में टच करते हैं। वे यहाँ दिखाओ जरा, यहाँ दिखाओ, इस पे आ रही है 24 वोल्ट, इस पे भी आ रही है वोल्ट, इस पे भी आ रही है। इस पे नहीं आ रही दोस्त, देखो मेरा शक्स बिल्कुल सही था, इस पे नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही। देखो यहाँ दिखाओ, मैं लगा रखा हूँ ना, इस पे नहीं आ रही है, और BGH आ रही है, देखो 23 वोल्ट 24 वोल्ट आ रही है ना, सारी वोल्टेज बन रही है, लेकिन एक वोल्ट नहीं आ रही है यहाँ पे, ये वाली वोल्ट नहीं आ रही है यहाँ पे। एक सेकेंड इसको ही पलटते हैं, दोनों में मेजर करेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का।
ना दोस्त, इस पे आ रही है, देखो आ रही है ना, इस पे आ रही है, इस वाले साइड कॉपी आ रही है ना, -7 वोल्ट आ रही है ना, -7 वोल्ट, लेकिन इस पे नहीं आ रही है। ओके, नहीं आ रही है ना, तो अब ऐसा करेंगे इसका जम्पर उठा के यहाँ दे देंगे, ठीक है, और कुछ करना नहीं है, पहले सप्लाई बंद करनी है। ये ऐसी पतली वायर ले लेंगे, बारीकी से काम करना होता है दोस्त। इससे भी हल्की तार अगर हो ना तो वो लेनी चाहिए हमें, ताकि उसकी प्रिंट ना उखड़े। नाप लेते हैं पहले यार, इतनी तार लगनी है, फालतू क्या खर्च करना है। इन दोनों तारों पे सोल्डिंग कर लेंगे, ताकि वहां हमें दिक्कत ना हो। सोल्डिंग कर लिया, और ये ज्यादा बड़ी है, इसको थोड़ा काट लेंगे सोल्डिंग वाले एरिया को, ताकि आपस में शॉर्ट ना हो, बनने की जगह बिगड़ जाएगी ना फिर। तो दिक्कत आ जाएगी। अब सर इस पे हमें टांका मारना है, और इस पे ये तो दिखाओ सर, इसे तरह खरोच ले, मैंने खरोचा है, और थोड़ी और अच्छी तरह से इसको भी। बहुत बारीकी काम है, यहाँ दिखाओ सर, इसमें सुनने नहीं पड़ा। दिखाना जरा इधर, ये लग गया ना टांका, देख लो यहाँ गिन लो, 1 2 3 4 पे लगाए हैं, 1 2 3 4 पे लगाए हैं। अब हम सप्लाई देते हैं, फिर वोल्टेज चेक। देखो सोनी सही हो गई, आ गया जी पूरा फ्लेम आ गया, देखो हमारी यहाँ सप्लाई आ गई ना, आ गई ना सप्लाई। मीटर पे देखो, मैं थोड़ा प्रिंटर टूटे इसलिए मैं आराम से लगा रहा हूँ, आ गई ना, और पिक्चर भी बन गई हमारी, बन गई पिक्चर, देखो। बट अभी मैं दिखा देता हूँ, ये थोड़ी सी लाइनिंग है ना, इसको इस तरह मैंने ये कॉप को चिपका दिया है, ताकि ये वायर ना टूटे, और इसको हम टेपिंग कर देंगे, लंबा लंबा कर देंगे, ताकि दिक्कत ना आए, टूटे ना। अब इसको फ्रेम लगा देंगे, फ्रेम में हमारी तार नहीं कटेगी, इसको साइड करो, पहले फ्रेम लगाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये हमने फ्रेम लगाया, ताकि देखो ये आराम से कटे ना, इस चीज को ध्यान देना होगा।
टाइम लग गया। टीवी पलटते हैं। अब देखते हैं सर इधर, इनमें दिखो जरा। ये कार्बन भरी हुई है सर, कार्बन से भरी हुई है ये। इसमें नहीं लगी है, दो कॉफों में कार्बन लगी। चमक गई भाई, चलो लगाते हैं। वही सोनी है ना जो हाफ में आ रही थी, फुल में आ रही है। हो गई वो भी ठीक। अब क्या चाहिए? हेलो, ठीक हो गई। पेन ड्राइव नहीं लगी है क्या सर? पेन ड्राइव तो लगी हुई है भाई, फिर आया क्यों नहीं दोस्त? ये लगी हुई है, इतनी गंदी है यार। अब आ गई ना वही पिक्चर देखो, ठीक है? लाइनिंग हट गई ना, उतने नहीं है ना। ओके देखो, इतनी लाइनिंग तो झेल ही लेगा यार। अब नई डिस्प्ले लगाने से कोई फायदा नहीं, ये डिस्प्ले हमने कर दिया। सही चल रही है? देखो दोस्तों, हमने कितना मेहनत किया ये सोनी के हाफिस से, तो हाँ है, बढ़िया ही है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बढ़िया चल रही है। इसमें कार्बन इतनी लगी हुई है, नाले के साइड की सेट है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।